लेंगे। तो जब हम कैश फ्लो कहते हैं तो पहले हमें ये समझना है कि कंपनी के अंदर कैश या तो फाइनेंसिंग से आएगी, या तो इन्वेस्टिंग से आएगी, या तो ऑपरेशन से आएगी। सिमिलरली कैश बाहर जाएगी वो या तो फाइनेंसिंग में जाएगी, या तो इन्वेस्टिंग में जाएगी, या तो ऑपरेशंस में जाएगी। तो आपको छह चीजों का हरदम ध्यान देना है कि ये तीन कौन से हेड है और पैसा अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। पहले तो ये एक अपना बेसिक रूल पकड़ के चलेंगे, इनफ्लो विल बी पॉजिटिव, आउटफ्लो विल बी निगेटिव, और हर एक चीज का हेड पूछो कि ये क्या हो रहा है करके। ये सारे चीजों के साथ अभी एक और तीसरी चीज समझ, एक और नेक्स्ट चीज। पहली चीज क्या समझे हमने, ये तीन हेड्स। दूसरी चीज क्या समझना है, इट कैन बी आइदर आउटफ्लो और इट कैन बी इनफ्लो, ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज हमें, हाँ, वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट, एग्जैक्टली, हाँ। तीसरी चीज हमें क्या समझनी है कि हाँ, तीसरी चीज ये समझनी है कि आप जब कोई भी चीज करते हो तो उसका इम्पैक्ट दो जगह पे होता है, उसका इम्पैक्ट दो जगह पे होता है, जिसको डबल एंट्री कहते हैं अकाउंटिंग में। पर आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोन लेते हो, अगर आप लोन लेते हो तो इसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक आपके बैलेंस शीट में डेट में लिखा जाएगा लोन, और दूसरा आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट लोन, आई मीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको लोन दिखेगा। अगर आप, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में यहाँ पे दिखेगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो आपको प्रॉफिट में दिखेगा। तो ये हरदम समझना है कि ये एंट्रीज एक दूसरे को बराबर अगर हम कर सकेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन। आज दिन भर, आज अगले 2 घंटे में हम सिर्फ प्लस माइनस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन प्लस माइनस भी अगर समझ में आ गया, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, सब लोग यही कहते हैं कि 5वीं स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आ गया तो भी बहुत है। तो बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। आप में से अगर कोई CA, CS, ICW या बैंकिंग होगा तो आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत है, पर हम कॉमन सेंस के हिसाब से करेंगे। एक बार बेसिक चीज समझ में आ गई तो फिर एडवांस करने को उसको ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता। सो चलो, विद दिस लेट अस स्टार्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको साइड में लिख देते हैं। सो पानीपुरी, लेट अस से डेज 0 दे, पहले दिन मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे कुछ नहीं है। मैं आपको आके बोलता हूँ, भैया इक्विटी पैसा मेरे बिजनेस में शेयर करो, आप बोलते हो ठीक है, 3,000 रुपये हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, फाइनेंसिंग, मैं मेरे बिजनेस को फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं मेरे बिजनेस को फाइनेंस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इक्विटी आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनफ्लो, मैंने आपसे पैसा लिया 3,000 रुपये, और ये मैंने लिखाया कि मेरे बिजनेस में पहला इनफ्लो आया विच इज 3,000 रुपीज। अभी 3,000 रुपये में धंधा तो होगा नहीं, मुझे खरीदना है ठेला, पानीपुरी का ठेला रहता है, आपने देखा ना शिवानी मैडम जो ठेले पे थी, वो ठेले का भी तो खर्चा आएगा। तो मैं कहता हूं बैंक से मुझे टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, डेट लोन भी मेरे लिए इनफ्लो रहेगा, इसलिए यहां पे 25,000+ लिख देंगे। अभी इसमें और बाद में चेंजेस करेंगे, पहले सिर्फ एक चीज समझेंगे, तो इसको ऐड कर देंगे। दैट मींस मेरे बिजनेस में फाइनेंसिंग से, मेरे बिजनेस में फाइनेंसिंग से अब तक 28,000 का इनफ्लो है, इनफ्लो इसलिए पॉजिटिव है। यहां से आगे जाएंगे कि मैं ये पैसे का क्या करूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं ये पैसे का क्या करूंगा। सो नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग, मैं एक ठेला खरीदूंगा, ठेला मेरे लिए एसेट है, ठेला मेरे लिए एसेट है, ये मेरे लिए आउटफ्लो रहेगा, और इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ये वाले 25,000 से लिंक इक्वेट कर दूंगा। आप देख लेंगे एक्सेल मॉडलिंग जब करना है, एक्सेल मॉडलिंग जब करना है, मैं यहाँ पे -25,000 अलग से लिख सकता था, पर ऐसा नहीं करना है। एक चीज जो बनाई उसी को कहीं ना कहीं वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक दूसरे से लिंक रहने चाहिए,
तब हमें चेक पता चल जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो 25,000 मेरे ठेले में गए। इसको भी एक दो इसको रख देंगे। तो इन्वेस्टिंग अभी तीसरा, ठीक है, मैंने ठेला ले लिया 25,000 का, मेरे पास आपका इक्विटी का इनफ्लो है 3,000 का। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ऑपरेशन स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेशंस में सबसे पहले मुझे लगेगा रॉ मटेरियल। मैं कहता हूँ इक्विटी मेरे पास 3,000 की है जो आपने दी हुई है। आप देख लो एंट्रीज, आप देख लो एंट्रीज बराबर एक एंट्री दूसरी बार भी आ रही है फिर से, तो ये वो बैलेंसिंग अपने आप हो रहा है। अगर आप लॉजिकली सोचे तो अकाउंट्स में ऐसा बोलते हैं कि बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ये कोई रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है, होना ही चाहिए। अगर 3,000 रुपये का आपने पैसा डाला है, आप इक्विटी में पैसा डालो, डेट में डालो, आप कुछ भी करो, अगर आपने 3,000 का पैसा डाला है तो मैंने 3,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और इसके लिए अगर हम इसको अभी क्या करेंगे, मैं रॉ मटेरियल खरीद के धंधा करूंगा ना, ठेला लगाया क्यों है। अब मैंने नई जगह पे धंधा लगाया, रिस्क इन बिजनेस, और ये सारी चीजें, ये सारा जो भी बन रहा है, उस दिन जो ठेले पे आपने देखा शिवानी मैडम को, उस ठेले वाले से बात करके हमने ब्रॉडली ये फिगर्स बनाए। रफली 50% का बिजनेस होता है, यानी कि अगर 10,000 का माल बिका तो 5,000 की कॉस्ट रहती है रफली। तो ऐसे ही कुछ बनाते बनाते ये बन रहा है। तो मान के चलिए पहले दिन पे 100 रुपया का ही माल बिका मेरा। अभी ये पूरा का पूरा माल मैंने जो 3,000 रुपये का खरीदा है उसमें से 100 ही रुपये का बिका, तो बाकी पूरा माल मुझे फेंक देना पड़ेगा, अगले दिन फिर से फ्रेश लेना पड़ेगा। सो ये हो गया अपना पहला। पहले सिर्फ कैश फ्लो इतना समझ लो, कैश फ्लो 3 तरह के होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेशंस। फाइनेंसिंग में हमने फिलहाल सिर्फ इनफ्लो, ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा धीरे धीरे, और कॉम्प्लिकेटेड होगा। फाइनेंसिंग में इनफ्लो हमने देखे हैं, एकदम बेसिक लेवल पे कॉमन सेंस से समझना है। आपको कोई करने को नहीं बोलेगा जब आप इन्वेस्टर हैं, लेकिन आपको समझेगा। ठेला हमने खरीदा तो 25,000 बाहर गया, और ये तीनों का बाद में अगर आप नीचे करेंगे कि ठीक है मेरा आज का कैश फ्लो क्या है, मेरा आज का कैश फ्लो क्या है, एक मिनट इसको भी सम कर लेंगे, तो आप कहेंगे कैश फ्लो इज इक्वल टू, देखो क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आज का हमारा कैश फ्लो, आप हरदम एक वर्ड सुनेंगे, यू शुड हैव अ कंपनी विथ पॉजिटिव कैश फ्लोज। ये है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लोज। आप बोलेंगे अरे पर इसमें तो इसने लोन लेके रखा है, अरे इक्विटी ये वो सब करेंगे, एक एक करके समझेंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, पर पहले सिर्फ 2-3 दिन का फ्लोज देख लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करिए। तो पहले दिन पे क्या हुआ है कि 28,000 अंदर आया, 28,000 बाहर गया। एक बात समझ लो, कैश फ्लो भले ही आप, अभी आपको एक डाउट ये आ रहा होगा कि यार कैश फ्लो तो पॉजिटिव दिख रहा है पर लॉस हुआ है ना, ये लॉस का क्या, आपका तो 3,000 का माल खरीदा है और 100 रुपये। अब लॉस ये वर्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ रहा है, इसीलिए हम यहां से अगला स्टेटमेंट बनाएंगे, इसीलिए हम यहां से अगला स्टेट, देखिए सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एकदम सिंपल, सबसे ऊपर रहेगा सेल्स, आपने अभी लिखा है सेल्स कितने का हुआ आपका, ये यहां पे लिखा है आपने, ये ऑपरेशंस में आपने लिखा है सेल्स 100 रुपये का हुआ है, तो हम उसी को लिंक कर रहे हैं, अलग से 100 नहीं लिख रहे, ठीक है। सेल्स इज इक्वल टू 100 रुपये। एक्सपेंसेस यानी आपके रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे ठेले का एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ठेला इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बैलेंस शीट में जाएगा। ये दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, ध्यान देंगे, कैश आउटफ्लो ठेला में भी हुआ है, कैश आउटफ्लो रॉ मटेरियल में भी हुआ है, ध्यान देंगे, लेकिन दो अलग तरीके के खर्चे हैं। ये जो खर्चा है रॉ मटेरियल का, जो आज अगर आपने नहीं वापरा तो कल आपको फेंक देना पड़ेगा, यानी ये आपके पास बचा नहीं रहेगा, यानी ये आपका एसेट नहीं है, ये बात समझनी है। लेकिन ठेला आपने आज एक बार ताला लगा दिया कि कल फिर से वो खुलेगा, ये आपका एसेट है, ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका मशीन है, तो मशीन बार 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 चलते रहेगा, ये डेप्रिशिएट होगा धीरे धीरे, इसलिए ये बैलेंस शीट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। चलिए पहले 2 वीडियोस देखेंगे यूट्यूब वाले तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलेंगे, आज का सेल्स हुआ है
₹100 का आज का एक्सपेंस कितना है अपना? एक्सपेंस ये यहाँ पे हमने ₹3,000 का माल खरीदा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में माइनस साइन की जरूरत नहीं है। तो मैंने आज दिन भर में ₹100 का सेल्स किया, ₹3,000 का मेरा माल बिका है। तो लेट अस से मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, फिलहाल सिर्फ इतना ही लिख देंगे, सेल्स माइनस एक्सपेंस। तो मैंने ₹100 का माल, मैंने अभी देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गया, जीरो डे पे मैंने लोन लिया, मैंने इक्विटी लिया आपसे, उससे मैंने माल खरीदा, ये किया। दिन खत्म होते होते, मेरा पहला दिन खत्म हुआ, तो मेरा पहला दिन खत्म होते होते मेरे पास ₹2,900 का लॉस है। यहां से आगे जाएंगे, अभी कुछ भी सवाल वगैरह पूछो मत, क्योंकि एक फ्लो चलने दो, थोड़ा लंबा रहेगा, आप अपने सवाल लिख लो लगे तो, पर इसके बाद बैलेंस शीट, ये तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये तीनों एक दूसरे से बात करते हैं, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, हम वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस शीट देखो, BOD, बिगिनिंग ऑफ डे, दिन के शुरुआत में मेरी बैलेंस शीट कैसी थी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या क्या रहता है, इक्विटी रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन रहेगा, शॉर्ट टर्म लोन रहेगा। शॉर्ट टर्म लोन को आप करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, करंट करंट यानी लिक्विड, एकदम जो इमीडिएट का है। लाइबिलिटीज के साथ साथ एसेट का भी स्टेटमेंट बना लेते हैं। एसेट में क्या रहेगा, एसेट में रहेगा फिक्स्ड एसेट, शॉर्ट टर्म आपका क्या रहेगा उसको, वर्किंग कैप सॉरी फिक्स्ड एसेट, और दूसरा रहेगा आपका करंट एसेट, उसको आप नाम दे सकते हो, चलो आपका जो रॉ मटेरियल रहे हो, तीसरा कैश रहेगा। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बिगिनिंग ऑफ डे, दिन के शुरुआत में क्या हुआ, मैंने आपसे इक्विटी लिया, ये इक्विटी देखो यहां पे, ये इक्विटी 3,000, तो हम इक्विटी में 3,000 लिखेंगे, रुक जाए इसको मैं सब सब इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। हाँ, जीरो डे पे सबसे पहले हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, दिन के शुरुआत में हम लोग कहेंगे, दिन के शुरुआत में हमारा इक्विटी, हाँ वर्किंग कैपिटल करंट है, दिन के शुरुआत में इक्विटी 3,000 था, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं है बाबा, आज तो धंधा शुरू किया, काय का रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म लोन, हाँ मैंने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, 25,000 का लॉन्ग टर्म लोन है मेरे पास। शॉर्ट टर्म लोन, आज कुछ भी शॉर्ट टर्म लोन वोन आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मेरी लाइबिलिटी साइड अगर आप ऐड करेंगे तो ये 28,000 की मेरी लाइबिलिटी साइड आ गई। आप देख सकते हो बैलेंस शीट में हर एक एंट्री ये कहीं ना कहीं रेफरेंस से आई है, डायरेक्ट एंट्री कुछ भी नहीं करी है। एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठेला खरीदा ना, ठेला मेरे लिए एसेट हो गया, और इसको माइनस की साइन यहां पे देने की जरूरत नहीं है, माइनस की साइन की। करंट एसेट, दिन के शुरुआत में मैंने क्या किया, धंधा करना है तो सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, करंट एसेट, करंट एसेट। तो रॉ मटेरियल कहाँ पे लिखा है हमने, ये यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल, करंट एसेट, इसको भी माइनस साइन बैलेंस शीट में देने की जरूरत नहीं है। कैश, पहले दिन पे कैश कुछ भी नहीं है बाबा, जीरो कैश है, अभी तो धंधा शुरू करना है। तो आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड और एसेट साइड को अगर ऐड करेंगे और यहाँ पे करेंगे, इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो देख सकते हैं आप बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ डे, दिन के शुरुआत में आपकी बैलेंस शीट बराबर टैली हो गई। इसको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ कॉमन सेंस है। अभी आपने जब ये धंधा शुरू किया, इसके बाद आपने आज दिन भर में आप ठेले पे खड़े रहे, ठेले पे आपने ₹3,000 का माल लिया, दिन भर राह देखी आपने, लोग आएंगे लोग आएंगे, ₹100 का माल बिका आपका, तो आपका दिन खत्म होते होते दो चीजें हुई, एक आपको ₹2,900 का लॉस हुआ, और दूसरा बचा हुआ पूरा माल जो है आपका वो आपको फेंकना पड़ा। माल फेंकना पड़ा यानी फाइनेंस की भाषा में करंट एसेट जीरो हो गए एंड ऑफ डे पे। चलो अभी बैलेंस शीट फिर से बनाएंगे, लेकिन अभी बैलेंस शीट बनेगी एंड ऑफ डे, अभी बिगिनिंग ऑफ डे बनाई थी,
यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट एंड ऑफ डे इक्विटी, इक्विटी में तो कुछ भी बदलाव नहीं आया है, सुबह भी इक्विटी 3000 की थी, अभी भी इक्विटी 3000 की है। हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में देख लो क्या होगा, जो अपना यूट्यूब का वीडियो है एमआरएफ सुजलॉन वाला, उसमें देख आप देख सकते हो कि सुजलॉन का रिजर्व्स एंड सरप्लस निगेटिव हो गया। निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि लॉस जो है वो लॉस यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। तो हम बिगिनिंग ऑफ डे पे क्या था आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिन के शुरुआत में आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस जीरो था, लेकिन आज आपको नुकसान हुआ है 2900 का। ये 2900 कहाँ पे जाएगा, ये 2900 रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा एंड ऑफ डे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और आप देख सकते हो हाथ से कुछ भी नहीं लिख रहे, सिर्फ धंधे में से जो वैल्यूज बने हैं वही वैल्यूज को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। चलो एक और ये एंट्री नहीं आ गई, लॉन्ग टर्म लोन। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन तो है ना, सुबह से जो लॉन्ग टर्म लोन लेके रखा है वही है, लॉन्ग टर्म लोन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, आज कुछ शॉर्ट टर्म लोन लिया था क्या, आज कुछ भी शॉर्ट टर्म लोन नहीं लिया था। तो ये हो गया आपका नया एंड ऑफ द डे, आपकी बैलेंस शीट देखो कैसी दिख रही है, इसका सम कर लो 25,000। एसेट देख लो, एसेट क्या क्या है आपके, फिक्स्ड एसेट, सुबह जो फिक्स्ड एसेट थे वही आपके आज भी फिक्स्ड एसेट रहेंगे, ठेला है ठेला रहेगा, करंट एसेट जीरो हो जाएगा। ये ध्यान दो, आपका रॉ मटेरियल जो दिन के शुरुआत में, दिन के शुरुआत में जो आपका करंट एसेट था वो दिन भर में बिका तो ठीक, नहीं बिका तो माल फेंकना पड़ेगा, यानी कि करंट एसेट जीरो शाम को। और कैश, आपके धंधे ने कैश जनरेट करी है, कितनी कैश जनरेट करी है ये यहाँ पे हमने लिखा है कैश फ्लो 100। तो आपके धंधे ने 100 की कैश फ्लो जनरेट करी है। आप ऐड करो आपके एसेट साइड को, तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, और आप एंड ऑफ द डे की बैलेंस शीट देख लो, एसेट माइनस लायबिलिटीज, आपकी बैलेंस शीट एंड ऑफ द डे की भी टैली हो गई, आपकी बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ द डे की भी टैली हो गई, आपकी बैलेंस शीट एंड ऑफ द डे की भी टैली हो गई, आपकी बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ द डे की भी टैली हो गई। एक बार फिर से कर लेंगे क्या हुआ है, आज आपके धंधे का पहला दिन है, आप पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, पानीपुरी का ठेला लगाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप किसी इन्वेस्टर को बोलते हो भाई 3000 रुपये इक्विटी डाल, पार्टनर बन मेरा, वो आपके लिए इनफ्लो है, बैंक आपको 25,000 का टर्म लोन देती है। आपके पास इतना पैसा आ गया तो आप बोलते हो मैं 25,000 का ठेला खरीदूंगा, ठेला आपके लिए एसेट है, कैश आउटफ्लो है आपके लिए। आप 3000 रुपये का इक्विटी का पूरा माल खरीदते हो, 3000 रुपये में से 100 रुपये का माल बिकता है, पहला दिन है आपका, कोई जानता नहीं है आपके ठेले को, लेकिन बावजूद इसके अगर आप ये सारे कैश फ्लोज ऐड करेंगे तो आपका दिन भर में आपने 100 रुपये का कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैश फ्लो, आप जाके बैंक में 100 रुपये जमा कर सकते हो, कैश आपके हाथ में आया है। आपका धंधा कैसा था आज का, 100 रुपये का माल बिका, 3000 रुपये का माल खरीदा था, 2900 का लॉस हुआ। बैलेंस शीट इक्विटी सुबह थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस सुबह कुछ भी नहीं थे, लेकिन शाम होते होते आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस ये -2900 हो गया, क्योंकि लॉस आपने इसमें लिखा। कैश, सुबह कुछ भी कैश नहीं थी आपके पास, लेकिन शाम को आपके पास 100 रुपया कैश जनरेट हो गई, और देयरफॉर सुबह आपकी बैलेंस शीट टैली थी, सुबह आपके बैलेंस शीट का साइज 28,000 का था और बैलेंस शीट टैली थी, शाम को आपकी बैलेंस शीट थोड़ी सी कम हो गई, 25,000 कम हो गए, 3000 लगभग कम हो गए, लेकिन बैलेंस शीट आपकी फिर से टैली हो गई है। ये था आपका पहला दिन, आप घर पे गए और आपने बोला चलो वेरी गुड, लेकिन आपने बोला अरे अभी दूसरा दिन शुरू होगा, कल फिर से धंधा करना है। तो अभी अगला दिन देखेंगे क्या होगा। रोज रोज आपको मैं इक्विटी देने वाला नहीं हूं, भूल जाओ। दूसरे दिन का कैश फ्लो देखो, अभी पहला दिन खत्म, दूसरे दिन का कैश फ्लो देखो। रोज रोज आपको कोई इक्विटी इन्वेस्टर 3000 नहीं डालने वाला है, आपको रोज रोज कोई 25,000 लोन चाहिए भी नहीं और आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां पे एक नई चीज आ जाएगी, बैंक आपको बोलेगा यार वर्किंग कैपिटल के लिए तू लोन ले ले, आप बोलोगे ठीक है मुझे 3000 रुपये का माल खरीदना है, मुझे 3000 रुपये का लोन दे दो। बैंक बोलेगा ठीक है तुझे लोन तो मिल जाएगा 3000 का,
लेकिन ये जो कल तुमने टर्म लोन दिया है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ समझने के लिए, अपने कैश फ्लो समझने के लिए कर रहे हैं। बैंक बोलेगे भैया इंटरेस्ट टर्म लोन जो आपको दिया है वो टर्म लोन पे चलो इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट अगर मान के चलिए 10% है, अभी माइनस की साइन लगेगी क्योंकि कैश बाहर जाएगा। कितना है आपके ऊपर लोन, लोन अगर देखना है तो बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट भी कौन सी बैलेंस शीट, एंड ऑफ द डे, कल शाम को कितना लोन था उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो कल शाम को आपका 25,000 का लोन था और ये डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि हम रोज 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 का हिसाब कर रहे हैं इसके लिए, ये सिर्फ समझने के लिए। तो आपका कैलकुलेशन आता है -6.80 रुपया, दैट मीन्स बैंक कहेगी कि भैया ये कल का जो लोन है और यहाँ पे ये आउटफ्लो है आपके लिए, कैश बाहर जा रही है, आपको इतना लोन देना है। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। आज तो लोन ले लो लेकिन कल आपको इस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कल आपको इंटरेस्ट इस पे भी देना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए आउटफ्लो रहेगा। चलो इसको भी 10% पकड़ लेते हैं, आज तो इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा, जीरो है करके। और अभी आप अगर देखेंगे आज का फाइनेंसिंग का आपका सम, कल देख लो, कल हमने जीरो डे पे हमने सिर्फ इतना ऐड किया था, लेकिन आज हमारा कैश फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, हम धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं, तो एक एक स्टेप पे ध्यान दो। तो आज हमारा फाइनेंसिंग कैसा है, आज हमारे फाइनेंसिंग से हमारा ये कैश फ्लो है, 3,000 रुपए अंदर आए, 3,000 रुपए वर्किंग कैपिटल से अंदर आए, ये अलग हेड है, 6 रुपया बाहर गया, 6 रुपया इंटरेस्ट में बाहर गया, कल हमारा वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट भी बाहर जाने वाला है। अभी और आगे आओ, आज आपने फिर से ठेला नहीं खरीदा, इसलिए इन्वेस्टिंग का भूल जाओ, एक ठेला खरीद लिया, जब तक यही आपका पूरा आता नहीं है आप दूसरी फैक्ट्री नहीं लगाने वाले, इसलिए पहले इसका ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा कर लेते हैं। रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा आपको फिर से, इस बार कल जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था 3,000 में वो इक्विटी के पैसे से खरीदा था, लेकिन आज जो 3,000 आप खरीद रहे हो आज वर्किंग कैपिटल के लोन से खरीद रहे हो, ये समझो, ये समझो। और एक चीज हम यहाँ पे ये करेंगे कि कल आपका 100 रुपए का माल बिका था, आज हम अज्यूम करेंगे कि और 100 रुपए का माल बिक गया आपका। अब रोज रोज अगर खड़े रहोगे तो धंधा बढ़ना चाहिए ना, धंधा बढ़ाने के लिए तो खड़े हैं वहां पे, तो हम एक अज्यूम करेंगे कि आपका सेल धीरे 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 बढ़ते जाएगा। अभी देख लो ऑपरेशंस में क्या हुआ है, आपका आज का कैश फ्लो 193.51 आ गया। ये कहां से आया 193.51, यहां पे आपका फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट गया इसलिए पॉइंट में आंसर आ गया, ये देख लो आप ऐड हो गया यहां पे फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग में आज कुछ भी नहीं हुआ है और ऑपरेशंस में आपको ये इतने का लॉस हुआ है यहां पे। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें इंटरेस्ट भी लिखना पड़ेगा, हर एक एंट्री का दो जगह पे एंट्री होनी चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो इंटरेस्ट कहाँ पे लिखा जाएगा, तो इंटरेस्ट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट। ये जो दोनों इंटरेस्ट रहेंगे, आज तो एक ही है लेकिन कल दोनों देने पड़ेंगे, तो माइनस की साइन हटा देंगे क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस की साइन की जरूरत है, लेकिन पी एंड एल अकाउंट में माइनस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है आपकी। तो इसके लिए अभी आप देख लो ये फॉर्मूला जो कल लिखा था, आज ये इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप देख लो अगर ऐसे के ऐसे किया तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, अपने को बैलेंस शीट भी टैली करनी है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेल्स माइनस, या यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री बना देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, पीबीटी इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स माइनस सम ऑफ ये दो एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस सम ऑफ ये दो एक्सपेंसेस, यहाँ पे टैक्स लिख देंगे, जब भी भरेंगे तभी भरेंगे टैक्स, अभी तो लॉस है तो लॉस में टैक्स नहीं आएगा। तो इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस टैक्स जब आएगा तब। तो आज आपका, कल से आपकी पोजीशन अच्छी है, देख लो कल आपका 2,900 का लॉस था, आज आपका 2,800 का लॉस है, तो कल से आपकी लॉस की पोजीशन थोड़ी अच्छी है, यानी कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है सेल्स बढ़ते रहना चाहिए,
और कॉस्ट बढ़ती नहीं रहनी चाहिए। अगर हम ये कर सके कंटिन्यूअस तो एक अच्छा बिजनेस है। चलो नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे, लाइबिलिटीज। अब देखो बीओडी जब बनानी है आपको बैलेंस शीट, तो इक्विटी को इक्वल टू, ये एक्सेल शीट मिलेगी आपको, चिंता मत करो। जो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के पार्टिसिपेंट्स हैं सबको एक्सेल शीट वो मिल जाएगी, चिंता मत करो। और वीडियो भी रहेगा बाद में इसके लिए। सो कल के एंड ऑफ डे में आपकी इक्विटी कितनी थी? एंड ऑफ डे, कल का एंड ऑफ डे इज इक्वल टू आज का बिगिनिंग ऑफ डे, ये समझने की कोशिश करो। तो कल का ईओडी इज इक्वल टू आज का बीओडी, तो लाइबिलिटी इतनी हो गई। आज सुबह जब आपने बिजनेस शुरू करने के लिए दुकान खोला, तब आपका रिजर्व एंड सरप्लस कल जितना था उतना तो रहेगा ही, यानी कि -2900। लॉन्ग टर्म लोन आपने जो कल लेके रखा था वो भी रहेगा, और शॉर्ट टर्म लोन, कल आपका कुछ भी नहीं था शॉर्ट टर्म लोन, आज आपका शॉर्ट टर्म लोन ये वाला आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। आज आपने वर्किंग कैपिटल से लोन लिया है 3000 का, तो इसलिए आपका शॉर्ट टर्म लोन। तो हर हर रोज एंट्री धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बदल रही है। आपको बहुत सारा कंफ्यूज भी अगर होता है तो चिंता मत करो, ये वीडियो बाद में भी रहेगा और एक्सेल भी बाद में रहेगी, सब लॉजिकल है और सिर्फ प्लस माइनस है, सिर्फ प्लस माइनस है। एसेट देख लेंगे क्या है, कल शाम को जो एसेट थे वो तो आज शाम को रहेगी, यानी कि फिक्स्ड एसेट 25000 का है वो तो रहेगा। करंट एसेट, आज फिर से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, माल खरीदा है 3000 का, तो वो भी रहेगा। कैश, कल शाम को मेरे धंधे में मैं 100 रुपया कैश बनाया था, तो वो कैश भी मेरे पास रहेगी। इसलिए अब आप देख सकते हो अपनी बैलेंस शीट जो पहले टैली नहीं हो रही थी, अभी अपनी बैलेंस शीट टैली हो गई, यानी कि ये अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। ये बहुत कॉमन सेंस है, पता नहीं इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते लोग, ये बहुत कॉमन सेंस है। अपने आप प्लस माइनस एंट्री बराबर हो गई तो वो एक दूसरे को अपने आप काट देती है, ये जीरो अपने आप आ जाएगा। और जीरो नहीं आया तो जितने का डिफरेंस है वो भी पता चल जाता है कि कहाँ पे है, इतना सिंपल रहता है ये। एंड ऑफ डे, आज आपने दिन भर में क्या किया? इक्विटी, अब कल सुबह की जितनी थी उतनी, यानी इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस देख लो, रिजर्व एंड सरप्लस आपका सुबह का जितना था उतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ क्या ऐड होगा, आज दिन भर में आपको कितना लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी ये वाला फिगर। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस और निगेटिव गया, आपका रिजर्व एंड सरप्लस और निगेटिव गया। देखिए एंड ऑफ द डे की बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं हुई है, सिर्फ 100 रुपए से टैली नहीं हुई है। क्यों 100 रुपए से टैली नहीं हुई है? क्योंकि ये जो आपका कैश है एकदम पता चल जाता है कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपने ये कैश में सिर्फ आज का ही कैश लिया है 193 का, थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। कल के 100 रुपए भी तो है ना अकाउंट में जमा, वो भी तो ऐड होंगे, तो इसके लिए हम कैश में सिर्फ एक छोटी सी चेंज करेंगे, इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ डे। हमें दिन के सुबह में 100 रुपए थे ही थे हमारे पास, और आज दिन भर में हमारे बिजनेस ने हमारे लिए और 193 रुपए ऐड करके दिए। अब आप देख लो आपकी बैलेंस शीट फिर से टैली हो गई। एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट टैली, बिगिनिंग ऑफ द डे बैलेंस शीट टैली, वेरी गुड। विच मीन्स वॉट, हमारा पूरा जो हम एंट्रीज डाल रहे हैं सब एंट्री बराबर 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 चल रही है। थोड़ा सा और कुछ पार्ट करते हैं बाद में, एक क्वेश्चन आंसर लेंगे। देखो अगला दिन आया, देखो अगला दिन आया, हमारी एंट्री और एक्सेल मॉडल अगर बढ़िया रही तो आपको बार बार एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फटाफट सब हो जाएगा। देखो अगला दिन आया, आपने फिर से इक्विटी कुछ नहीं, बैंक से फिर से 3000 का, बैंक बोला तू लोन ले, तू कोई टेंशन मत ले, लेकिन भाई इंटरेस्ट देते रहे। तो ये टर्म लोन है तो टर्म लोन पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही है, 7 रुपया जो भी है। आप देख सकते हो कि आपको ये वाली जो वर्किंग कैपिटल दिया था कल, उसके ऊपर आज आपको इंटरेस्ट लग गया, वेरी गुड, हम भी इंटरेस्ट देने को तैयार है। सेल्स, आप फिर से 3000 का रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, लेकिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि धंधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा धंधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस बार कैश फ्लो थोड़ी ज्यादा आ गई हमारी। फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब करते 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 देखो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रही है? 3000 रुपए से टैली नहीं हो रही है। ये कौन से 3000 रुपए है? ये आज जो एक्स्ट्रा 3000 रुपए और ये कल वाले। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है और अगर प्रॉब्लम 3000 रुपए का आ रहा है,
तो इसका मतलब है हमारी 3000 की कौन सी तो भी एंट्री हमको सिर्फ ध्यान देना है। एक झटके में समझ में आ जाएगा। लाइबिलिटीज में आपके किधर गया आपका, हाँ शॉर्ट टर्म लोन देखो, शॉर्ट टर्म लोन देखो, कल 3000 था, आज भी 3000 ही लिया है। ये कल जो बैलेंस शीट बनाई इसके लिए ठीक था, लेकिन फॉर्मूला ट्वीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आज लोन ले रहे हो 3000 का, जब आप आज लोन ले रहे हो 3000 का, तो कल का भी तो लोन वापस करना है ना बैंक को। ये बैंक ने छोड़ दिया क्या? ये भी है और ये भी है, यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल लोन 3000 नहीं है बल्कि अभी टोटल मिला के 6000 है। बैलेंस शीट ये आपका सारा, जैसा आपने कैश ऐड किया 100 रुपए, वैसा ही आपको भैया बैलेंस शीट में लोन भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू दिस थिंग, कल का शॉर्ट टर्म लोन, सॉरी ये वाला भी नहीं, हम बिगिनिंग ऑफ डे में है ना, हाँ सो एंड ऑफ डे वाला, कल एंड ऑफ डे में क्या था, इज इक्वल टू कल जब आपने आपका धंधा बंद किया तो आपके पास लाइबिलिटी कितनी थी, इज इक्वल टू कल के एंड ऑफ डे में जाएंगे हम, ये आ गया एंड ऑफ डे का बैलेंस। आप कंफ्यूज हो सकते हो पर हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, ये ऐसा ही करना पड़ेगा। कल एंड ऑफ डे आपके पास 3000 रुपए का लोन था, कल एंड ऑफ डे आपके पास 3000 रुपए का लोन था और आज सुबह आपने और 3000 रुपए का लोन लिया है, तो इसके लिए यहां पे ये प्लस क्यों नहीं हुआ, हाँ तो अभी आपका टोटल शॉर्ट टर्म लोन दिन के शुरुआत में ही आपका शॉर्ट टर्म लोन 6000 रुपया हो गया, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, यानी आपके एंट्री सब बराबर है। आगे चलो, एंड ऑफ द डे की बैलेंस शीट अपने आप टैली हो गई है। देखो क्या हो रहा है, जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका कल था 5700, उसमें आज का लॉस भी आपका ऐड हो जाएगा। आज का लॉस कितना है, 2700, यानी 7700 और 1400, यानी 8400 के आसपास, ये देख लो 8400 अपने आप यहाँ पे आ गया। सो दिस इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बाकी सब टैली 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 टैली। सबसे बढ़िया बात ये देखो कि आपकी कैश बढ़ते जा रही है अकाउंट में धीरे धीरे धीरे, आपके बैंक में कैश बढ़ते जा रही है धीरे 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 धीरे, बैलेंस शीट टैली हो रही है, सेल्स बढ़ रहा है। अभी इसमें एक और चीज थोड़ी सी लास्ट एक पार्ट एंटर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। एक चीज होती है इंटरनल अक्रूवल। इंटरनल अक्रूवल का क्या मतलब है, आपका धंधा अगर कैश जनरेट कर रहा है और ये कैश आपके अकाउंट में खाली पीली पड़ी है तो क्या मतलब बनता है कि आप लोन लेंगे, क्योंकि आप जब जब लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप कहते हो पहले दिन ठीक है मैंने 3000 रुपए का लोन ले लिया, लेकिन दूसरा दिन खत्म होते होते, यानी ये दिन खत्म होते होते मेरे अकाउंट में 293 रुपए जमा हो गए, मैं एक काम करता हूं, मेरे धंधे में से मैं 100 रुपया लगाता हूं बिजनेस में। अगेन दिन के अगले दिन के शुरुआत में, ये वाले दिन के शुरुआत में आपने कल शाम का, आपका कल शाम का अकाउंट बैलेंस कितना था, आपका कल शाम का अकाउंट का बैलेंस कितना था, आपका 293 रुपए। आप क्या बोल रहे हो, ठीक है मेरे पास 293 रुपए है, मुझे 3000 रुपए की जरूरत है, मैं एक काम करता हूं, मैं 100 रुपया खुद का लगाता हूं, यानी कि मुझे लोन कम लेना पड़ेगा। लोन क्यों कम लेना पड़ेगा, क्योंकि लोन कम लिया तो इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा मुझे। शौक थोड़ी है, अपन इंटरेस्ट बांटने के लिए थोड़ी धंधा कर रहे। तो सेल्स में आपको फिर से थोड़ा सा एक एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो एंट्री चेंज हो गई है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। ये माइनस आ गया, बट इसके वजह से क्या फर्क पड़ा, देखो आपने लोन कम लिया, आपने लोन कम लिया है यानी कि आपको कल इंटरेस्ट कम लगेगा, लेकिन आपकी बैंक ऑफ बिगिनिंग ऑफ द डे की बैलेंस शीट आपकी 100 रुपए से चेंज हो गई। 100 रुपए कौन से है, ये वही 100 रुपए है जो आपने यहां पे लाए हैं। आपने क्या किया है,
आपने कल शाम को जो पैसा था उसमें से पैसा बाहर निकाला है, तो हम लोग जल्दी से हमारे कल शाम की यानी कि ये वाली बैलेंस शीट में जाएंगे। ये 293 है, तो आज सुबह का हमारा कैश 293 नहीं रह सकता। 293 माइनस 293 माइनस ये 100 करना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम को देखो बहुत कॉमन सेंस है, कल शाम को जितना पैसा था उसमें से मैंने 100 रुपए निकाले, 100 रुपए निकाले तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये 293 भले ही कल शाम को दिख रहा था, ध्यान दो कल शाम को एंड ऑफ द डे कैश 293 था, लेकिन आज बिगिनिंग ऑफ द डे धंधा शुरू होने के पहले मेरा 193 हो गया कैश। बैलेंस शीट टैली हो गई क्या? ये कैश क्यों कम हुआ? क्योंकि मैंने मेरे ही धंधे बैंक में पड़ा रह के क्या मतलब है अगर मैं लोन ले रहा हूं तो, यानी एक जगह पे 3,000 रुपए का लोन लो और दूसरी जगह पे 100 रुपया करंट अकाउंट में 0% पे रहने दो, ये नहीं पूरा था। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे इंटरनल अक्रूवल से पैसा लेना स्टार्ट किया। बैलेंस शीट टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई, बिगिनिंग ऑफ द डे एंड ऑफ द डे सारी बैलेंस शीट टैली हो गई। मेरा कैश देखो, पहले दिन 100 रुपए का कैश था, दूसरे दिन 300 रुपए का कैश था, अगले दिन 500 रुपए का कैश आया। सो धंधा कैसे हो रहा है देखो, ये 3 दिन भी समझ गए ना सिर्फ 0, 1, 2 तो भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है। मैंने धंधा शुरू किया लोन लेके और इक्विटी से, बाद में मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल पे आया, इस पे इंटरेस्ट दे रहा है, बाद में काय का इन्वेस्ट करेंगे, पहले धंधा तो सेट हो जाए फिर इन्वेस्ट करना है देखेंगे। लेकिन हर रोज मैं धीरे 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 मेरी सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा पूरा प्रयास ये है कि सेल्स बढ़ते रहना चाहिए और कॉस्ट वहीं के वहीं रहने चाहिए। जब ये होगा तो मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। भले ही मेरा, शिवानी मैडम ने एक लाइन बोली थी, इज कैश इक्वल टू प्रॉफिट, वो यहां पे दिख रहा है आपको। कैश तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ गई कैश इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, जिसको ये बात समझ में आ गई कैश इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, उसको बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई। फिर आप आगे जाए, ये बैलेंस शीट बैलेंस लाइबिलिटीज ये बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं। इक्विटी यानी आप मेरे पार्टनर बन गए, रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी जो बचा वो, प्लस हो तो प्लस माइनस हो, लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन ये सबको समझता है, फिक्स्ड एसेट ठेला, करंट एसेट जो रोज का रहता है। तो ये करने से देखो हार्डली हमें 40-50 मिनट हो गए बात करते, या आधा घंटा ही पकड़ लो, आधे घंटे में हमने कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों को इतना तो हाथ लगा ही दिया कि थोड़ा बहुत अपने को इसमें से लॉजिक समझ में आएगा। ये और बहुत करना है हमें, 90 डेज का करना है। इसीलिए आज के सेशन का नाम है बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन 1। ये एक सेशन में खत्म होने वाला नहीं है, ये 2 या 3 या 4 भी सेशन तक जा सकता है। तो आज सिर्फ इतना समझना है अपना पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज फॉर फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी तो कैश फ्लो ही नहीं है, अभी तो फ्री कैश फ्लो है ही नहीं कंपनी के, अभी तो बनना है, ये तो धीरे धीरे धंधा बन रहा है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है अब तक, तो हम आगे जा सकते हैं। रेट मान के चलो